यूपी के सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर। विकास खंड एलिया के ग्राम पंचायत अल्लीपुर अल्ली रजा के ग्राम बड़ौरा की है, जहां सफाई कर्मी की लापरवाही से ग्राम में हर तरफ गंदगी फैली हुई है। जहां एक तरफ सरकार स्वच्छ भारत अभियान मिशन चला रही है, तो दूसरी तरफ सरकार का सारा पैसा हजम कर योगी सरकार की छवि धूमिल करने पर तुले हैं बड़ौरा के सफाई कर्मी। ग्रामीणों का कहना है कि सफाई कर्मी समय से सफाई नहीं कराते हैं और अगर नाली से गंदगी निकाल कर रोड पर जमा कर देता है और कूड़ा महीनों रोड पर स्थित रहता है, धीरे धीरे सारा कूड़ा नाली में फिर से चला जाता है, जिससे नाली में ज्यादा गंदगी होने के कारण नाली के कीड़े लोगों के घर तक जाने लगते हैं, जिससे लोगों को आए दिन अपने आप नाली को साफ करते रहना पड़ता है। वहीं एक तस्वीर सामने आई है जहां 65 वर्षीय बुजुर्ग अपने हाथों से नाली से गंदगी निकाल रहे थे और काफी लोग नाली साफ करते दिखे। तभी हमारे यूपी क्राइम न्यूज के ब्यूरो अवधेश कुमार वर्मा ने बुजुर्ग व्यक्ति राम स्वरूप से पूछताछ की। आइए देखते हैं। बाबा, आपका नाम क्या है? राम स्वरूप। राम स्वरूप, तो ये बताइए, अपने आप साफ कर रहे हैं इतनी उम्र में, सफाई कर्मी नहीं आता है क्या? सफाई कर्मी नहीं आता है हमारे मोहरे पर? गंदगी रहा है, हमने साफ कर। गंदगी तो है, बहुत दिख रही है, हमें भी दिख रही है गंदगी है काफी। देख लीजिए। तो सफाई कर्मी कहाँ का है? सफाई कर्मी अंबरपुर का। अंबरपुर का नाम क्या है उसका? नाम तो हमको मालूम नहीं। नाम गंगाराम की पत्नी है। गंगाराम की पत्नी है, क्या नाम है? नाम तो राम देवी होगा। अच्छा, तो सफाई यहाँ नहीं करता है? सफाई नहीं करता है। अच्छा, आते हैं और चले जाते हैं। तो बाबा, ये बताइए कि ये सफाई कर्मी इतनी वो कर रहा, तो आप कहीं शिकायत नहीं दिए हैं? शिकायत का वो लेडीज है, तो शिकायत अगर कहीं तो गलत बातों लगा सकते। हाँ, ये भी बात, हम लोग शिकायत नहीं करते हैं। आपकी बात सही है, तो यहाँ आती नहीं है, सफाई नहीं करवाती है? महीने में एक चक्कर लगा देती है बस। अच्छा, महीने में कहीं एक चक्कर लगाते हैं, आप पहुँचती नहीं है इस टाइम से? सुनीता, सुनीता।